आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जेपी पावर का डिस्कशन कर लेते हैं। इनके रिजल्ट्स पे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, जो कि कल आने वाले हैं उसको देखेंगे, चार्ट के माध्यम से एनालाइज करेंगे और क्या न्यूज चल रही है स्टॉक में उसको भी देखेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। से भी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैंने बीएसई की वेबसाइट खोली है, तो इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 27 मई 2022 को आएंगे, जो कि कल का दिन है। और मैं दोस्तों अगर आज की बात करूं तो आज जेपी पावर बहुत ज्यादा काफी आप एक्टिव आप उसमें कह सकते हैं, इसका नंबर था काफी हाई वॉल्यूम्स में, इसमें डेली ट्रेडिंग होती है। वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन, एथ्रेया पेट्रोल, जीटीएल, एनसीएल, इन सब में जेपी पावर 0.34 करोड़ की आपस में आज इसमें ट्रेडिंग हुई है। आइए अब हम इनके रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं उसको देखते हैं। स्टॉक पी केवल 20 का है, आरओसी आरओई अच्छे तो नहीं है बट ठीक है, 7 रुपए के हिसाब से अगर स्टॉक है तो उस हिसाब से उतना बुरा भी नहीं है। अच्छी बात है कि बुक वैल्यू से स्टॉक अभी काफी कम चल रहा है और इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी अच्छी रही है और अब की बार कंपनी से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। नेगेटिव्स में देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग काफी लो है जो डिक्रीज हुई है, सेल्स ग्रोथ इनकी नेगेटिव जा रही है और अर्निंग्स में दोस्तों 345 करोड़ की अदर इनकम है, तो इस ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं दोस्तों अगर और नीचे आके देखूं इनके रिजल्ट्स को एनालाइज करूं, एक बार इनका पीई देख लेते हैं, इनके कंपटीटर अदानी ग्रीन का पीई देखिए 800 तो इससे, और अदानी ट्रांसमिशन 198, तो अदानी ग्रीन जिस दिन दोस्तों गिरना स्टार्ट होगा अच्छे से आप समझ सकते हैं, क्योंकि 7500 से ऊपर के पीई में सर्वाइव करना अपने आप में काफी मुश्किल होता है। एनीवेज दोस्तों, हम इनके रिजल्ट पे फोकस करें दोस्तों, तो अगर इनकी मैं यहाँ पे बात करूँ सेल्स, तो पिछले कुछ क्वार्टर से 800 900 हजार करोड़ के अंदर ही रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखेंगे तो इनकी अच्छी रही है, 120 करोड़, 345 करोड़, तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और लास्ट क्वार्टर में 365 करोड़ की इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दिखाई थी। अगर आप नेट की बात करेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के ऊपर लोन काफी है, तो बहुत टाइम बाद इन्होंने 107 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई थी, बीच में तो 1800 करोड़ का लॉस भी दिखाया था, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कंपनी है, कभी लॉस दिखाती है कभी प्रॉफिट्स दिखाती है। पूरे साल का भी आप देखेंगे तो 2010 से 13 तक कंपनी ठीक ठाक अच्छी प्रॉफिट्स दिखाती थी, उसके बाद इसमें पतन स्टार्ट हुआ, फिर भयंकर लॉसेस भी पोस्ट किए 4-5 साल, फिर पिछले साल इन्होंने ठीक ठाक रिजल्ट्स दिए थे और अब की बार भी हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी ओवरऑल पूरे साल का 500 करोड़ तक के रिजल्ट्स दिखा सकती है और प्रॉफिट में तो रहना दोस्तों बहुत जरूरी है कंपनी के लिए, वरना इसकी स्टॉक प्राइस फिर वापस वही 2-3 रुपए तक जा सकती है। इन एनीवेज दोस्तों, आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो 6 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा और यहाँ 7.6 हमारा पहला टारगेट होगा और 8 पॉइंट इस लेवल के ऊपर, 8.4 के ऊपर दोस्तों इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है इस स्टॉक के लिए, तो 8.4 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आए तो 9-10 रुपए तक भी स्टॉक जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे फॉलो करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, अपने विचारों को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।